सवाल ये था कि निकाह के बाद जो वाइफ रहती है वो सरनेम चेंज कर सकती है क्या, लाइक डॉक्यूमेंट के रिलेटेड चीजें में सरनेम चेंज किया जा सकता है? देखिए, किसी भी मुसलमान के लिए, किसी भी आदमी के लिए जायज नहीं है कि वो अपनी निस्बत अपने बाप के अलावा किसी और की तरफ करे। हमारे मुआशरे में ये चीज़ आम हो चुकी है, बल्कि बहुत सारे मैंने इस्लामी ममालिक पे भी देखे हैं कि औरतें शादी के बाद अपने नाम के साथ अपने शौहर का नाम लगाती हैं। बसा औकात आप जान भी नहीं पाओगे कि इसका शौहर है या इसका बाप है। तो जी अपने नाम, अपनी निस्बत अपने बाप के अलावा किसी और की तरफ करना जायज नहीं है, ये असल हुक्म है। अब एक मसला आता है कि कई जगहों पर ऐसा कानून होता है, ऐसा निजाम होता है, मुल्क का कानून होता है कि आपको अपने नाम के साथ अपने शौहर का नाम लगाना है या शौहर का जो सरनेम है उसको लगाना जरूरी है। इसमें कोई चारा नहीं, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आप लगाएं, फकत वर्के में आपने लगाया हुआ है। आप अपना नाम जब आपसे कहीं पूछा जाता है तो आप अपने नाम के साथ शौहर का नाम नहीं बताते, मैं फला हूं, मेरे बाप का नाम फला है, मैं, मेरा सरनेम ये है। यानी आप ये दावा नहीं कर रही हैं कि मेरी निस्बत मेरे बाप के अलावा किसी और तरफ है। आप तमाम जगहों पर अपनी निस्बत अपने बाप की तरफ, अपने बाप के सरनेम के इस्तेमाल के साथ करती हैं, लेकिन जहां मजबूरी है पेपर्स वगैरह में वहां पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब मजबूरी हो, और हर जगह पर मजबूरी नहीं होती है भाई, अगर कानून है कि इसके बगैर कोई चारा ही नहीं है तो आप वहां पे अपने शौहर का नाम लिख सकती है अपने नाम के आगे या उसका सरनेम, जी लेकिन जहां मजबूरी नहीं है वहां जायज नहीं है। जी तो इन जनरल इंडिया के हिसाब से क्या आपका क्या रहेगा, जो मुंबई के अब इत्तेबार से देखिए, कराना? जी मुझे, मैं जो कानून है हिंदुस्तान का, मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूं। आप जो है, जो उसके एक्सपर्ट है उसे पूछें कि हिंदुस्तान का क्या कानून है। जाहिर है जहां पे आप जाते हैं तो वहां आप पूछ सकते हैं कि क्या शौहर ही का नाम लिखवाना जरूरी है या ये कि अपने बाप का नाम अपने नाम के साथ रखें तो ये काफी है। मैं जहां तक समझता हूँ, अल्लाह वाला, हो सकता है मैं गलत हूँ इसमें, कि मेरे ख्याल से शौहर का नाम अपने साथ में लिखना ये जरूरी नहीं है हिंदुस्तान में, जहां तक जो मैंने देखा है। जैसे मैं अपना मामला जानता हूं, जहां पे भी हमें जरूरत होती है, जो है औरतों के साथ उनके वालिद का नाम हम लिखवाते हैं और कोई ऑब्जेक्शन, कोई एतराज नहीं है। तो जी जजाकल्लाह मेरे खैर। ख्याल से हिंदुस्तान में ऐसा निजाम शायद नहीं है कि आप औरत के नाम के साथ शौहर ही का नाम होना चाहिए, वो बाप का नाम लिख सकती है। जहां तक मुझे इल्म है, हो सकता है मैं इसमें गलत हूं, अगर गलत हूं आप मालूमात हासिल कर सकते हैं।